साहब देख रहे हैं, 2 अक्टूबर है और स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू एक छोटी सी पहल, कम से कम अपने गली के आगे तो हर एक बंदा साफ करेगा तभी तो पूरा भारत साफ होएगा। ये देखो, वैसे तो यहाँ निगम वाले आते हैं मगर ये कि सुबह जल्दी अपनी गली साफ कर दो अच्छा है। आफ्टर और सफाई के बाद क्या है? दशहरा है आज। अष्टमी में तुम कंजक के लिए तैयार हो और भैया खड़ा मेरे लड़के साथ कंजक का वेट कर रहे हैं। आजकल स्कूल खुले हुए इसलिए थोड़ी हो रहे ना। कहाँ तेरे फ्रेंड सर्कल का बुला सबको? अच्छा, कितनी प्लेट इकट्ठे कर ली सुबह से तूने? चार। चलो मिलते हैं फिर, बोल जय माता दी। मैं आया हूँ आज नीरज की शॉप में, आज इससे अपने बार बार कुछ कलर कराना है क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं और अभी फिर प्रोग्राम भी दशहरे में जाना है, तो आज ये मेरे बाय बाय करेगा सब। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। और यह है दूसरा स्टार। ठीक है, चलो चलते हैं। और कुछ इस तरह कैसे हो चुका है, आप के थोड़ी देर बाद मिलते हैं। रवि मेरी पेमेंट काट ले, कल से ही खुले खुलेगा। अरे खुल्लों की काफी समस्या है, पहले देख लो। जो भी आ रहे हैं कल 200 को 500, अब जो भी आता है यहाँ खुला हो जाएगा। अब जैसे खुला चेता जागरण में आता है, खूब सारे रखे थे हमने, उनकी जेबें भर गई थी दो, तो आप कौन है चेता हमारे। हाय दोस्तों, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने जाना है सदर बाज़ार, सदर बाज़ार के लिए मैं निकलने वाला हूँ, और मैंने एक चीज़ सोचा आपसे बातें शेयर कर लूँ। जैसे आज मैंने कई मॉर्निंग में देखा कि मेरे कई कलीग्स यहाँ पे गली में कॉलोनी में बच्चों कंजकों के लिए वेट कर रहे हैं। वो तो कहता जैसे यहाँ पे तो अभी स्कूलों की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं, और दिल्ली में तो मुझे पता छुट्टियाँ पड़ गई हैं दशहरे तक, यहाँ पे कुछ स्कूलों की नहीं पड़ी हैं, तो जिन्होंने ऑफिस जाना था वो लोग वेट कर रहे हैं और हम कंजक खिलाएं और जल्दी निकले। मुझसे मिले भी थे, मैंने कुछ क्लिपिंग बनाई भी है कि शेयर करिए अपनी बातें। एक हमारा टाइम था, मेरे घर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको मिला करती थी कि कंजकों को सुबह लाने का काम मेरा है, और ये मैं कैसे निभाता था अब मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ही उन्हें रात को, जो भी कन्याएं थी उनको मैं रात को बोला करता था कि सुबह जल्दी आऊँगा मैं, तो आप सब प्रिपेयर रहना कि आज कई बच्चे उठते नहीं हैं, कोई आलस करता, कोई नहाने का, तो मैं उनको पहले बोलता था 6 बजे मैं आऊँगा, 6:30 बजे तक आप प्रिपेयर होंगे। ये उन्हें, क्योंकि इन दिनों ना कंजकों को 7 दिन तक इतना नहीं रहता, कन्याओं को खासकर 7 दिन तक इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है, मगर लास्ट के 2 दिन अष्टमी और नवमी को हर लड़की चाहती है कि मेरे पर्स हो और मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे, क्या गिफ्ट मिलेगा, एक्साइटमेंट रहता है हर बच्चों का। हमने भी देखा है कि हमारे भी घर आते थे बैठते थे, तो हमारा एक टारगेट होता, मेरी मम्मी कहती सबसे पहले चलो हमारे होंगी जाओ भी लेके आओ, तो मैं वो पूरा करता था 100%। ये मेरा एक होता कि मैं नाइट को उनको कहता, मगर अब फ़र्क क्या है आजकल की जनरेशन का, आजकल के बच्चे और एक तो बहुत तेज हो गए, कई उठते नहीं हैं और आलस करते हैं और सीधा अभी नहीं उठ रहे अंकल हम बाद में आएंगे ऐसे बोलते। एक हमारा टाइम था, मैं बच्चों को जाके बैल बजाता था तो उनकी मदर कहती थी बेटा तैयार हो गए आ रहे हैं, ये फ़र्क होता है। तो मुझे लगा कि कुछ बात शेयर करी जाए अपने टाइम की, और ख़ासकर हम नवरात्रि चल रहे हैं और कंजकों का टाइम और उनकी बात ना करी जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता, तो ये मुझे लगा कि शेयर करूँ कि कंजकों का एक्साइटमेंट, क्योंकि आज अष्टमी, आज हमारी गली में भी बहुत भीड़ थी, वो बच्चों को बुला एक घर से निकल ले तो 2-3 फैमिली मेम्बर वेट करते हैं कि ये मेरे वहाँ जाएंगे मेरे वहाँ जाएंगे। ये चीज़ है जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। ठीक है, मिलते हैं आगे।
हम सदर बाज़ार पहुंच के दिखाते हैं कि वहां पे हम क्या क्या लेंगे और कौन सी शॉप पे विज़िट करेंगे और कैसा क्राउड है और क्या होने वाला है वहां पे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने। और यह नवरात्रि का दिन और मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ MCG में जो सफाई कर्मी उन्होंने हड़ताल पे, ये सदर बाज़ार को देख के लगता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो मंडे के दिन और ऐसा हो जाए। जब गुड़गांव में घूमना हो, तारीफ करता है तो कोई ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। यह गुड़गांव का सदर बाज़ार का मेन मार्केट। और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, जैसे मार्केट होती है इनके एसोसिएशन होते हो। ये देखो लग रहा कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा यहाँ पे। चुके हैं सदर मार्केट से बाहर, जो भी हमें सामान लेना था हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और टाइम हो रहा है, 2:30 बज चुके हैं। पापा आगे ड्राइव कर रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ, क्योंकि थोड़ा फ़ोन स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं हाथ अपना बाहर नहीं निकाली, पापा के शोल्डर पे रख के वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अब थोड़ा बहुत स्टेबल है। तो चलिए घर चलते। और अभी मुझे टाइम मिला और मैं बाहर आया तो देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैंने कहा और अभी कीर्तन भी हो रहा है, मैं इस कीर्तन में जाके अभी कुछ रिकॉर्डिंग बना के लाऊँ। कल मेरी आंटी से बात हुई थी, आंटी बोली थी इतनी सारी लेडीज़ रात को तो आती हैं, दिन में नहीं आती हैं दिन के कीर्तन में। तो मैंने कहा चलो मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपका वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग डाउन जरूर दे उसमें डालूँगा। तो अभी मैं गया था, मुझे थोड़ा मौका मिला, मैंने एक छोटी सी 10-15 सेकेंड की क्लिपिंग बनाई है, वो आपको दिखाते हैं, उसमें दिखाएँगे बिल्कुल। और अब हो चुके हैं टाइम 5 और आज एक स्पेशल चीज़ है जो पंडित जी ने कल अनाउंसमेंट करी थी। अनाउंसमेंट ये करी थी कि जैसे उनको लगा भाई भीड़ काफ़ी हो रही है, तो उन्होंने एक जो उनको फील हुआ कि ये जो पूजा है एक अलग ढंग से कैसे लगे, मतलब जो और अच्छी लगे, क्योंकि लोगों का एक्साइटमेंट देख के और ये करके उनको लगा कि यार मैं चलो कुछ गाइडेंस देता हूँ। उन्होंने ये बोला जब हम सुन रहे थे कि कथा के बाद, जैसे मैंने आपको हर ब्लॉग में दिखा हुआ, पंडित जी कुछ ना कुछ एक उपदेश या टिप या संदेश देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और ये मोटिवेटिव होता है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, मैंने देखा है। तो उन्होंने कल बोला जितनी भी महिलाएँ ये दो दिन लास्ट के दो दिन आरती की जब करने आएंगी तो अपने घर से थाली ले कर आएँ, उसमें चावल रोली और एक दिया वो ले कर आएँ। जब यहाँ पे 100-200 मिनिमम जितनी भी उसने मैक्सिमम कितनी भी उसने जब वो लेके आएंगे और ये जब दिया रख के जब आरती होएगी तो उसका जो यहाँ पे चित्र होगा जो वो वर्णन नहीं कर सकता मैं आपको, क्योंकि अभी भी मुझे इतना एक्साइटमेंट है जब पंडित जी की बातों से लगा कि जब ये आरती होगी तो आपको देखने लायक होगा यहाँ का और लोगों का एक्साइटमेंट। अब देखते हैं आज शाम को क्या होता है, भाई पंडित जी ने कहा है और लाए भी, चलो मिनिमम भी लाए तो एक नई वो तो होगी पहल कि भाई यहाँ पे इतने दिए जले हैं, इतना हो रहा है, इस चीज़ का एक्साइटमेंट है। मैं अब सदर बाज़ार से आ चुका हूँ, आके थोड़ा रिफ्रेश हुआ था,
थोड़ा लेटा था, अब थोड़ा रेस्ट होके अब मैं रेस्ट सही फील कर रहा हूँ। आज मेरा फास्ट है तो मेरे को एक्साइटमेंट है कि मैं देखूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि मेरा एक दायित्व बनता है। मैं जब ब्लॉग बना रहा हूँ और मोस्टली अब लोग मुझे जानने भी लग गए यहाँ पे, तो मुझे लगता है मैं कुछ अच्छी चीज़ करके दिखाऊँ यहाँ पे, करके दिखाऊँ कि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे कर रहा। देखो वीडियो अच्छी लगे ना लगे, या लगे तो कमेंट होना चाहिए, मगर मेरा तो अपना ये रहता है मोटिव कि मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, अच्छे संदेश दूँ, अच्छा मैसेज पहुँचे। तो इसीलिए चलो मिलते हैं आगे देखते हैं। बोलना ही पड़े मीठा बोलो। चलो सब लोग प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार से आप अपने तेजोमय प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुझे, मेरे परिवार, बच्चों को धन धान मान सम्मान सुख शांति समृद्धि से प्रकाशित करते हुए मनुष्य जीवन के सभी सुख प्रदान करने की महान कृपा करें। ओम पूजन जन को स्वीकार करें, बा प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके मुझे, मेरे परिवार को अपने अपने गुणों के अनुरूप सदा सर्वदा जन्म जन्मांतर सुख फल प्रदान करने की महान कृपा करें। प्रथम सूर्य देवता ओज तेज बल पराक्रम राज सम्मान प्रदान करें। द्वितीय चंद्र देवता हाय दोस्तों, अब मैं वीडियो एडिट करने आया हूँ, और वीडियो एडिट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ, एडिट तो हो रही है धीरे धीरे और उसमें ये भी जाएगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखना, आप वीडियो तो देखते हैं, मेरे ब्लॉग तो देखते हैं, उसमें लाइक और कमेंट्स, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सर 600 से प्लस हो चुके हैं, एक ये मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ, बस उसमें और मोटिवेटिव, उसमें और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग एक थंबनेल या जय माता दी कुछ भी कमेंट्स करें। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे, मगर जो वीडियो देखता है, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, वीडियो देखते हैं, एक कमेंट्स जरूर बनता है, कमेंट्स करेंगे, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, भाई इन्होंने देखी आपका नाम मिलेगा और मुझे आगे बनाने की वो मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगा भी मैं आप क्या क्या चीज़ दिखाऊं। तो इसलिए कमेंट्स जरूर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। आपको मिलता हूँ आगे और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।